खबर हांडिया प्रयागराज से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के मुंडारा गांव मंसूराबाद में शनिवार की रात पुलिस और बदमाशों में जबरदस्त मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो सातिर बदमाश घायल हो गए। वहीं बदमाशों की गोली से एक सिपाही भी घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, नवाबगंज पुलिस शनिवार की शाम चेकिंग कर रही थी, तभी पल्सर सवार दो सातिर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। बचाव में पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। मुठभेड़ में दो सातिर अपराधी घायल हो गए, जिनकी पहचान संजय मौर्या और सहसा के रूप में हुई। बदमाशों की गोली से एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाशों और सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों घायल बदमाश मुकदमे में वांछित अभियुक्त हैं। इनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। यह घटना मुंडारा गांव मंसूराबाद थाना क्षेत्र नवाबगंज की है। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी पल्सर सवार दो बदमाश पुलिस को जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। हिदायत देने के पश्चात आत्मरक्षार्थ में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई। दो बदमाश घायल हुए हैं। दोनों बदमाशों की शिनाख्त की गई तो पता चला कि बदमाशों का नाम संजय मौर्या और शहनशाह है। ये दोनों नवाबगंज के मुकदमा अपराध संख्या 417/22 में वांछित थे। दोनों बदमाशों के पास से दो देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में एक सिपाही वो भी घायल हुआ है। दोनों अभियुक्तों को और सिपाही को एसआरएन हॉस्पिटल में भेजकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।